अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी पुदीने के बारे में कि पुदीना जो है वो कैसे लगाना चाहिए। वो सारी डिटेल वीडियो तो आपके मिल जाएगी मेरे चैनल पे, लेकिन अगले इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सिम्टम क्या है, कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका धनिया जो पुदीना जो है वो चल पड़ा। उसके लिए आप वीडियो देखिए। ये देखें, ये मैंने पुदीना लगाया था। पुदीना लगाने के बाद ये जो पत्ते हैं ये पुराने पत्ते हैं, ये वाले, ये देखें आप, ये सब पुराने पत्ते हैं। अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जी ये चल गया या ऐसे ही रहेगा ये, या इस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। उसके लिए छोटी छोटी अलामत हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये नई शाख निकली है, उस पर पत्ते आए हुए हैं छोटे 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 छोटे। ये देखें, ये नई शाखें निकल रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये जड़ें चल गई हैं। ये देखें, ये है, ये भी चल गया। ये देखें, ये भी चल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुदीना जो है वो मेरा चल गया। ये देखें, ये छोटे छोटे ये अलामतें होती हैं कि जी ये चल गया, क्योंकि जब ये चलेगा इसकी जड़ जो है वो चलेगी, पौधा बढ़ेगा, बढ़ना शुरू होगा, तो वहाँ से खुराक जो है वो बन के इस तने में आएगी, तो फिर ही आपको पता चल सकेगा कि जी ये मेरा पुदीना जो है ये चल गया। अब ये नेक्स्ट छोटे छोटे ये देखें, ये देखें, ये पत्ते ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। तो ओवरऑल इसकी सिम्टम जो है वो पॉजिटिव है। यही आपको बताना था कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो मैंने चीज़ लगाई थी वो सही तरीके से लग गई और वो अब उग रही है, वरना इसकी वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। अगर लगाएं उसकी जड़ें सही तरीके से ना चलें तो फिर ये देखें, ये इस तरह की सूरत हाल होती है। ये वाला, ये पत्ते वही पुराने रहते हैं, जब वो अपनी एज पूरी करेंगे तो वो उसके बाद झड़ जाएंगे, सूख जाएंगे या मुरझा जाएंगे। इसको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी जो है वो थोड़ा 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 दें, लेकिन रोज़ाना इसको पानी जो है वो चाहिए। पानी की कमी बेशी जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। पानी इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि पानी इसमें खड़ा रहे जिसकी वजह से इसकी जड़ों के लिए कोई मसला हो, क्योंकि प्यास तो बर्दाश्त कर लेगा, ओवर वाटरिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।